नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को मैं वापस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट देते ही रहते हैं। और एक खास बात है, जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स हैं दोस्तों, उनके लिए जो लेवल निकल के आता है उसको भी मैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का एक लेवल डेली प्रोवाइड करा देता हूं। तो प्रॉपर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहां पे मिल जाएगी। आगे हम चलेंगे दोस्तों अपने टॉपिक के ऊपर, मैं बात करूंगा। हम बात करेंगे यहां पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। पिछले दिन का एनालाइज या पिछले दिन का किस तरीके से ट्रेड हमें होते हुए देखने को मिला उसको एक बार हम देखते हैं। दोस्तों, पिछला दिन में यह जो कैंडल आप देख रहे हैं, पहला कैंडल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का फर्स्ट 15 मिनट्स का, यह काफी गैप अप ओपन हुआ। इसके बाद यह नीचे आया तो इस पॉइंट पे आप एक बार कह सकते हैं कि प्रॉपर सेल लग गया हमारा ऑर्डर, क्योंकि इस लेवल के नीचे मैं बोल रखा था कि हम सेल करेंगे। सेल लगने के बाद यह वापस घूमा लेकिन हमारे स्टॉपलॉस पॉइंट को यह टच नहीं किया, 520 का यहाँ पे जो स्टॉपलॉस प्राइस है वह, वहां से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही आया। प्रॉफिट हमें जो हमारा टारगेट था 420 रुपए का, वहां तक नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है या सपोर्ट रेंज है, तो प्रॉपर इसी आसपास ये फंस के रह गया। लास्ट टाइम यह ऊपर आ गया और नो लॉस नो प्रॉफिट आप कह सकते हैं हमें देखने को मिला मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो हमारा लेवल था उसके ऊपर। आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या करेंगे और क्यों करेंगे, इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन जब प्रॉपर ऊपर के हायर लेवल को मिलाते हुए ड्रॉ किया हुआ है तो एक उचित लेवल या उचित पैटर्न हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद इसके नीचे साइड भी इस लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। नीचे लाने का जो मेरा रीजन है वह यही है कि यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। उसके नीचे आएंगे तो ये पूरा सपोर्ट जोन ही बन चुका है, एक्चुअल में यह पूरा सपोर्ट जोन ही बन चुका है। अब अगले ट्रेडिंग डे में थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे और मैं सेल साइड के लिए कोई उचित लेवल नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पे अगर गिरता भी है तो ये सपोर्ट जोन है, पूरा सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा तभी हमें सेल का प्राइस मिलेगा या सेल का कोई लेवल मिल पाएगा उचित। यहाँ पे 7440 रुपए के नीचे आएगा प्राइस तभी हम सेल साइड देखेंगे। और बाय साइड के लिए मैं प्रॉपर ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस पॉइंट लेते हुए प्रॉपर डाउन साइड आया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंगल इस तरीके से या डब्लू पैटर्न भी आप कह सकते हैं। तो इस प्राइस को हम ले लेते हैं ऊपर साइड के लिए 7500 का, यहाँ पे सेफ हो जाएगा क्योंकि अगर इसी आसपास ये कंटिन्यू घुमा तो ही हमें 60 पॉइंट का ही एक रेंज बन रहा है देखने को मिल रहा है, 7440 और ऊपर 7500 का, तो प्रॉपर 60 पॉइंट का रेंज है। इसी रेंज में यह ऊपर निकालेगा तो बाइक करके जाएंगे हम, और इसके नीचे आएगा प्राइस तो सेल करके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर लेवल को एडिट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रॉपर बाई साइड का जो लेवल है उसको भी एडिट कर दिया हूँ, इसके बाद सेल के लिए जो लेवल है उसको भी एडिट कर दिया हूँ प्रॉपर। हम बाई करके जा सकते हैं दोस्तों, 7500 रुपए के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे इस प्राइस का जो लेवल है वह, और पहला टारगेट मैं जिस तरीके से मेंटेन रखता हूँ वही प्रॉपर रखा हूँ। 7550 पहला टारगेट हो जाएगा, 7600 का दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा, 100 पॉइंट का टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस हम इस दौरान रख सकते हैं 7450 रुपए का। इसके बाद
सेम चीज़ें हम सेल भी करके जा सकते हैं, इस लेवल के नीचे आएगा तब। तो 7,440 रुपये का लेवल यहाँ पे मैं फाइंड आउट किया हूँ, एंड जो टारगेट्स हैं वह 7,390 रुपये फर्स्ट टारगेट बन जाएगा अपना, सेकेंड टारगेट 7,340 रुपये का, ये सेकेंड टारगेट 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ भी हम नीचे साइड रखेंगे। स्टॉप लॉस इस दौरान हम मेंटेन रखेंगे, वह होगा 7,490 रुपये का। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर करने का प्रयास कर चुका हूँ, वापस इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे ओनली 60 पॉइंट है बीच में, इसलिए मैं इस आसपास कोई उचित लेवल भी नहीं दिख रहा हमको, तो इसलिए थोड़ा सा आज हमारा जो लाइन है बेस लाइन वह दो बन चुके हैं, एक इस लेवल के ऊपर बाई और इस लेवल के नीचे सेल। तो आप यह पूरा जोन कह सकते हैं, एक जोन बन गया, इस जोन को ऊपर से रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं और नीचे से ये सपोर्ट जोन हो गया। तो इसी बीच में यह चल रहा है प्राइस, अभी छोटा सा रेंज बन चुका है, तो इसके ऊपर बाई और इसके नीचे प्रॉपर हम सेल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कॉमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, लिंक आपको वहां पे प्रॉपर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।